आ गई चमक। चलो जान कहीं साथ घर। कौन से साथ घर जाती हूँ भला मैं अम्मा? एक शम्मो का ही तो घर है जहाँ दो घड़ी हो आती हूँ। दो घड़ी? अरे सुबह की गई थी, अब लौटी है तू? इशरा कैसे मुंह भर के झूठ बोलती है। नाश्ते के बर्तन में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। दोपहर के खाने का वक्त हो गया है, एक घंटे में तेरा बाप आ जाएगा। क्या खिलाएगी तू उसे? पत्थर? दो घड़ी? तू भी ना अम्मा, बस हर वक्त शुरू हो जाती है। घर में पड़े पड़े दिल ऊब जाता है मेरा। एक शम्मो का ही तो घर है, अगर वो भी ना होता तो मैं तो पत्थर की हो जाती यहाँ पे पड़े पड़े। तुम बखत जरम जली, ये लड़कियां भी घर में बैठी हुई पत्थर होती हैं। उनके नसीब में तो अजल से घर ही होता है, और तू है कि तुझे घर में बैठने से हौल उठती है। एक तेरा बाप है जिसको दिन रात तेरी फिक्र खाई जा रही है कि कब तेरे हाथ पीले होंगे और कब तू अपने घर की होगी और कब इस अजाब से जान छुटेगी। क्यों अम्मा, ये घर मेरा नहीं है क्या? अरे तुम्हारा इतनी जगह उठना बैठना है, तुम्हारा कोई दोस्त कुशन ऐसा नहीं है जो कोई लड़की का पता पता बता दे? इस सबसे कह रखा है। तू क्या चाहती है कि मैं राह चलते लोगों को पकड़ पकड़ कर उनसे कहूं कि मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता बता दो? औरतों के काम है ये, तू क्यों नहीं करती कुछ? बहुत अच्छी, क्या अकल खोया है कहीं? अरे उस जवान जहां आफत को मैं किसके पास छोड़ के जाऊं? अकेले छोड़ना अच्छा नहीं होता, ऊंच नीच हो गई खुदा ना खास्ता तो किस किस को मुंह दिखाएंगे। कभी कभार तो सोचती हूँ कि बाहर से ताला लगा के चली जाऊं, पर दिल नहीं मानता। पता नहीं वो पगली क्या समझे, लेकिन शरीफन को कह रखा है मैंने, वो जब आती है ना तो उसकी जान नहीं छोड़ती। लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, वो कह रही थी जितने रिश्ते हैं उनकी इतनी मांगे हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते, और जो सफ़ेद पोश हैं हमारी तरह उनके टांके फिट हैं। बस ये सोच कर हौलती हूँ कि मौला मेरे नसीब जली के लिए भी कुछ करे। हाँ कहती तो तू ठीक है, वैसे एक रिश्ता है मेरी नज़र में, अच्छा खासा कमाता है, जोड़िया बाजार के बाहर मेन रोड के सामने कपड़े की दुकान है उसकी, कारोबार जोरों से चलता है। बस एक खराबी है उसमें कि वो रंडवा है। इस रंडवे की उम्र कितनी होगी? अजीम बता रहा था कि 50 के करीब है। 50 के करीब? हाँ तो फिर क्यों सोच रहे हो? अरे मर्द कभी बूढ़े नहीं होते, खुद को संभालेगा सजाएगा तो हमारी जुबैदा के साथ खूब जचेगा। बस तुम फौरन बात पक्की कर लो, इससे पहले कि लड़की में घर में बैठे बैठे कुंवारी रांड हो जाए, उससे तो हजार जल्द बेहतर है किसी रंडवे से शादी कर ले। अच्छा फिर मैं कल बात चला दूं। चलाना मनाना नहीं है, आनंद फानंद बात पक्की करो। चल ठीक है, अब सोने दे मुझे, सुबह जाना है। सो जाओ।
भाई सी के पहन लेना, और क्या करना। अम्मा ना जब मुझे कूड़ मगज और कम अकल कहती थी ना, तो मुझे लगता था कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कम अकल मेरे पास ही है, पर आपके पास तो मुझसे भी कम है जी। हो गया अकल और क्या, नई नवीली दुल्हने लट्ठे नहीं पहनती, बेवाएं पहनती हैं, और मेरी तो अभी शादी हुई है कि नहीं। आ कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मैंने सोचा कि शादी के रात नायाब लट्ठे का तोहफा दूंगा तो इससे बढ़िया बात क्या होगी, पर मैंने ये नहीं सोचा कि दुल्हन लट्ठा नहीं पहनती। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी अकल पे हर वक्त लट्ठे का पर्दा पड़ा रहता है, पर्दा चाहे लट्ठे का हो या नायाब लट्ठे का, पर्दा तो पर्दा ही होता है ना जी। मेरी दुकान पूरे जोड़िया बाजार के अंदर इसी लट्ठे की वजह से तो मशहूर है। हाँ भाई, दूर दूर से ग्राहक आते। अकबरी, जी बेगम साहब। क्या कर रही है, काम क्यों नहीं करती जी? आपने बुलाया था, मैं समझी कोई काम होगा। काम तो है पर क्या बेगम साहब? बस यही काम है। तू तो जितनी बार भी बेगम साहब बोलती है ना, बोलती जा। मैं समझी नहीं बेगम साहब। अरे बेगम साहिबा बोलती जा। बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए जी? अरे बस क्या बताऊं, वो कपड़े के दाम बढ़ गए, मार्केट वालों ने एहतजाज किया, हंगामा हुआ, पुलिस आ गई, दुकानें बंद हो गई। है तो कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? भाई औरों को नहीं पता, लेकिन मुझे नुकसान नहीं होगा, काफी स्टॉक पड़ा हुआ मेरे पास, अगर दाम जमे रहे ना, लाखों का फायदा होगा, लाखों का। चलो ये तो अच्छी बात है, कारोबार तो तुम खूब करते हो, और यही एक काम है जो तुम्हें अच्छी तरीके से करना आता है। समझा नहीं? छोड़ो, समझ के भी क्या करोगे, कब तक चलेगी ये हड़ताल? अरे ये तो आजकल का मामला है, कल तक सब ठीक हो जाएगा अपनी जगह पे, कारोबारी चाल है, कारोबारी चाल। पर तुम क्यों पूछ रही हो? वो ना मुझे अम्मा की बड़ी याद आती है, सोच रही थी उनसे मिला हूँ। हाँ तो ठीक है ना, चलेंगे कल हम साथ। मैं सोच रही थी मैं अकेली ही चली जाऊँ, दो तीन रोज रुकूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी मैंने सीटी नहीं बजाई, कसम अल्लाह की मुझे सीटी बजाने भी नहीं आती। सीटी बजाने नहीं आती? आप जैसे सीटी बजाने ना आती हो वो खाक सीटी बजाएगा। अम्मा
अम्मा अम्मा अप्पा मर गए क्यों यकायक बिना बताए? अम्मा अम्मा हुआ क्या था अब्बा को? इन्हें तो कोई ऐसी बीमारी ना थी, तीन तीन रोटियां खा जाता था, फिर अचानक क्यों? कहने लगा मेरा दिल बंद हो रहा है, इससे पहले कि मैं समझती बस एकदम से चटापट अपना जिंदगी की बस ऐसी ही कहानियां। क्या बात है? बात बुझी बुझी, कोई परेशानी है तो मुझे नहीं बताओगी? अपने इल्म दीन को तो मैं नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? अम्मा के बारे में सोच रही थी, कितनी अकेली हो गई होंगी ना वो। आप इजाजत दें तो मैं उन्हें घर ले आऊं, मैं भी दिन भर अकेली ही होती हूँ और वैसे भी एक से पहले दो। कि तुम्हारा अपना घर है मेरी जान, इसमें मेरी इजाजत की जरूरत क्या है? अरे ले आओ, बिल्कुल ले आओ, सोलाने ले आओ, वो भी मेरी माँ की तरह ही तो है। सच्ची? है तो बड़ी जिद्दी, बेटी के घर में मरने के खौफ से सिर्फ मुश्किल से मानेंगी, पर मैं मना लूंगी इनको। आपके लिए चाय लाओ। हाँ जरा चीनी कम डालो। हाय अम्मा, तो इतनी सियाणी है नहीं जितना जाहिर करती है। ये क्या बात हुई? ये संदूक जी क्यों इसे अपने सीने से लगाए रहती है हर वक्त? ये भला कहाँ की अकलमंदी हुई? मुझे दे दे, मैं रख दूंगी ताले में। क्यों अपना हर वक्त सुख चैन खराब करती है? अरे अल्लाह बख्शे, तेरे अब्बा ने ना मुझे हसली दी थी शादी में तोहफे में। हसली क्या अम्मा? अरे हार, आजकल कोई नहीं पहनता हसली, जमाना जो बदल गया है, सब हार ही पहनते हैं, पर थोड़ा सा जेवर और है और कुछ नकदी है। तभी तो कहती हूँ अम्मा दे दे मुझे, रख दूंगी ताले में, सब महफूज रहेगा, तेरा माल असबाब और ये तेरी हसली भी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये मैं दमाजी को दे दूँ, वो अपने कारोबार में लगा लेगा, कारोबार बढ़ेगा, तरक्की होगा। ऐसा सोचना भी मत अम्मा, उसे नहीं जरूरत तेरी मदद की या तेरे गहनों की, उसका कारोबार खूब चलता है और वो है भी बड़ा चलाक कारोबारी। सच कह रही? लो तो कोई झूठ बोलूंगी मैं अम्मा? ठीक है तो फिर तू इसे रख ले अलमारी में, संभाल कर ताले में रखना और मेरे सामने रखियो। चल आ जा, तेरे ही हाथों से तेरे ही सामने रखवा देती हूँ। आजकल कारोबार बहुत मंदा, लोगों को खाने की फिक्र है, पैसा नहीं जेब में कपड़ा खरीदने के लिए, रोटी पानी के चक्कर में फंस गए साहब। इस बकराईट में कारोबार में तेजी आती थी, मैं अब तो ओहो खाना तो सही से खाया करो, हर वक्त बस तुम्हारे दिमाग पर कारोबार लट्ठा चढ़ा रहता है। तुम थकते नहीं हो ये सारी बातें करते करते? मेरे तो कान पक गए तुम्हारी बातें सुन सुनकर। अच्छा वही नहीं करता। चलो ये बताओ अम्मा जी तो ठीक है ना, उन्हें कोई शिकायत तो नहीं है? हाँ ठीक है, पर कह रही थी कि इल्मुद्दीन इतनी मेहनत करता किस लिए? हाँ किसके लिए? अपनी बीवी के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, और किसके लिए? तुम्हारे दिमाग से कपड़ा और कारोबार हटे तो कुछ तुम्हें अम्मा की बातें समझ में आए। समझा नहीं मैं।
उनका मतलब औलाद से है। अगर इंसान के पास वारिस ना होना तो उसका खानदान आगे नहीं चल सकता। क्या बोला? कुछ नहीं। तू क्या समझती है उसे फिक्र नहीं है कि उसकी कोई औलाद हो, कोई वारिस हो, इतनी तामझाम का मालिक हो? फिक्र? हाँ है ना फिक्र। फिक्र है कि लोगों की जेब में पैसे कम हो गए हैं, कपड़ा कम खरीदते हैं, कारोबार मंदा हो गया है। वो फिक्र करे ना करे, तुझे तो फिक्र करनी चाहिए ना। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ अम्मा? मैं भी बावली हो गई कि तुझसे ये बात कर रही हूँ। अरे मेरे होते हुए तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? कल तुझे मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तू जो चाहे कर अम्मा, तो ना मुझे उसकी बातें समझ आती हैं और ना तेरी। तू कुछ समझ या ना समझ, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ ले, जो औरत मर्द को औलाद नहीं दे सकती वो घर में पड़ी हुई उस सुराही की तरह होता है, जिसे मर्द पानी पीना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करता। वक्त और गुजर गया तो मुझे डर है कि क्या डर? कि वो नई सुराही ना ले आए इस घर में। मेरी बावली अम्मा, नई सुराही लाएगा वो? तुम ना सठिया गई हो अम्मा। कहते हैं कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, जिनकी उम्र हो जाती है, वो सठिया जाते हैं। मेरी बावली अम्मा, सुराही तो मैं कब से कह रही हूँ उसको लाने को, लेकिन उसको फुर्सत ही कहाँ है अपने कारोबार से। बुढ़िया तो मैं हो गई हूँ, मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन सठियाई मैं नहीं हूँ, तू हो गई है। अच्छा ठीक है ना अम्मा, तू बस इतना ज्यादा परेशान ना हुआ कर। तू रुक, मैं तेरे ठंडा शरबत लेकर आती हूँ। अरे मेरी कुड़ मग्ज, वो दूसरी शादी कर लेगा औलाद की खातिर, दूसरी औरत ले आएगा तेरे सर पर। तू ठीक कहती है अम्मा, तू तो बुढ़ी हो गई है पर मैं बावली हो गई हूँ। बेटा तुमने इल्मुद्दीन को तो कुछ बताया नहीं ना? नहीं, तूने ही तो मना किया था अम्मा। पर अम्मा डॉक्टर तो कह रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ना बेटा मायूसी कुफ्र है। हम पूरी कोशिश करेंगे, हकीमों के पास जाएंगे, मज़ारों में मन्नतें मांगेंगे। अल्लाह इतना बेरहम नहीं है जो तुम्हारी गोद में एक बच्चा ना डाल सके। पर तू ये सब कुछ इल्मुद्दीन को नहीं बताना। नहीं बताऊंगी, पर अम्मा जो ये सब कुछ करके भी मैं माना बनी तो? क्या ऑल फॉल बोल रही है? अच्छा अच्छा सोच, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए बंदे को। जो औरत माँ नहीं बन सकती ना, वो एक मिट्टी की ढेर की तरह होती है, जो ना लेपने के काम आती है ना पोतने के काम। तू अच्छी तरह दिमाग में डाल ले कि तुझे माँ बनना है, वरना ये घर और इल्मुद्दीन कभी भी पूरी तरह तेरे नहीं हो सकेंगे। अधूरी औरत एक असली जंपर की तरह होती है, जिसको ना पहना जा सकता है ना तन रखा जा सकता है। बच्चा औरत का खूंटा होता है, जो औरत खूंटे से बन जाए ना उसे कोई नहीं हिला सकता, जमीन आसमान भी उसके हो जाते हैं। वरना ये समझ ले कि लुटे हुए काफले की तरह लकोदक दश्त में अकेली खड़ी रह जाती है औरत। रखो तक दश्त, लुटा हुआ काफला, अकेली खड़ी औरत। लुटा हुआ काफला, अकेली खड़ी औरत। रखो तक दश्त, लुटा हुआ काफला, अकेली खड़ी ज़ुबैदा। ज़ुबैदा क्या हुआ? क्या हुआ? लो, लो पानी पियो, पानी पियो। क्या हुआ बेटा? पता नहीं वो खाब में डर गई शायद। ज़ुबैदा, ज़ुबैदा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बताओ तो सही, क्या हुआ? ज़ुबैदा,
ज़ुबैदा सो गई। डरावने ख्वाब सोए तक की कहानी होती, तुम घबराओ नहीं बेटा। अम्मा आप भी यहीं सो जाओ, मैं यहाँ नीचे सो जाऊंगा। नहीं बेटा तो फिक्र नहीं करो, देखो आप कितने मजे से सो रही है, ख्वाब था गुजर गया, बस तुम घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। क्या देखती हो? अरे भाई तुम तो हो ही बहरे, कब से कह रही हूँ कान साफ करवा लो, लेकिन तुम हो के तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे भाई फरहान रो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? उठ गया होगा ना बेचारा, भूख लग रही होगी उसे, इंसान का बच्चा है वो भी। फरहान? किस फरहान की बात कर रही हो? अरे भाई हमारा बच्चा फरहान, और कौन फरहान? क्या बिल्कुल ही याददाश्त खो बैठे हो? किसी दिन मुझे भी ना भूल जाना। तुम्हारी बीवी ज़ुबैदा बेगम, ज़ौजा इल्मुद्दीन क्लॉथ मर्चेंट। मैं देखती हूँ उसे, ठीक है? ख्वाब का असर है, ठीक हो जाएगी। ख्वाब का असर? जल्द आना अम्मा, ये ना हो कि बस वहीं की हो जाओ। हाय बेटा मेरा है ही कौन, ये दूर पेरे की बहन थी, वो भी गुजर गई, बस फुर्सत देकर वापस आ जाऊंगी। मेरा तो तेरे सिवा इस दुनिया में है ही कौन। चलो अम्मा देर हो रही, गाड़ी का टाइम हो गया। हाँ बेटा चल। अच्छा सुन, मेरी संदूकची का ध्यान रखना। अच्छा फिक्र पीछा नहीं छोड़ती ना तुम्हारा, जब बंदा ज्यादा सयाना हो ना तो दिमाग ऐसी चरखे की तरह चलता रहता है। तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूँ ना। आ जाओ अम्मा देर हो रही है। अब तो बिल्कुल ठीक है, कई दिनों से बुरा ख्वाब भी नहीं देखा। मैंने कहा था ना कि ख्वाब ही का असर है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रही है। हाय अल्लाह रहम करेगा, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ये कौन सा इतना दूर है, अरे मौत का मामला ना होता तो मैं हैदराबाद कभी ना जाती। आप जाओ खैरियत से जाओ, फिक्र ना करो, मैं हूँ ज़ुबैदा के पास। आओ देर हो रही है। क्या बात है बेगम साहबा, आप ऐसे क्यों चल रही हैं? अरे मोटी अकल की, तू तो कहती थी तेरे दो बच्चे हैं, कहती थी ना? हाँ जी कहती थी, क्या मेरे दो बच्चे हैं अल्लाह साई के करम से। तू तो नहीं पैदा किए ना वो दोनों, तो और कौन करता भला? तो फिर इतना अनजान मन के क्यों पूछती है? पगली कहेगी, मुझे भी बच्चा ही तो होने वाला है, इसीलिए ऐसे चल रही हूँ। हैं? बच्चा होने वाला? हाँ तो और क्या, पहले भी तो तीन हो चुके हैं, ये तो चौथा है। चौथा है? तो बाकी तीन किधर हैं? अरे वो स्कूल गए हैं, बस आते ही होंगे। तू जल्दी से उनके लिए खाना बना दे, भूखे होंगे। अब नहीं होता मुझसे एक काम वाम। अरे जा ना, जाती क्यों नहीं? कहा तो ये बच्चे आते होंगे, खाना बना जाके। जी बनाती हूँ। अरे सुनो जी, वो तीसरा वाला है ना काशान, उसके जूते लेते आना, हर महीने फाड़ देता है, जाने पहनता है या उनसे दुश्मनी करता है। मैं चली जाती पर तीनों को साथ ले जाना पड़ेगा ना, और वो जो छोटा है उसको तो हर आधे घंटे बाद दूध चाहिए होता है। ये सब मेरा मिलके ना दिमाग ख़राब कर देंगे, नाक में दम कर देंगे मेरा, तो ले आना ना। अच्छा सुनो तो साइज तो ले लो। छोड़ो, दुकानदार को बोलना कि 7 साल का बच्चा है, वो खुद ही निकाल के दे देगा, उन्हें सब पता होता है।
अच्छा देखो भूलना नहीं, वो रोज मेरी जान खाता है। नहीं बोलो। दस हजार रुपए रखे थे यहाँ, मिल नहीं रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। देखती हूँ। ये रहे। मैंने कह दी बच्चों ने इधर फेंक दिए होंगे, इसी अलमारी के कोने में फंसे हुए थे। तुम्हें तो कभी ना मिलते, आखिर बच्चों को तो माँ ही पहचानती है ना, और मैं तो अपने बच्चों की रग रग से वाकिफ हूँ। माँ जो हूँ, अब ये लो मैं जा रही हूँ। ज़ुबैदा ज़हनी तौर पर खुद को माँ समझ चुकी है, उसका सारा वजूद इस तसव्वुर में जकड़ा जा चुका है। तो फिर डॉक्टर साहब, बस आपको उसका बेहद ख्याल रखना होगा। उसे कभी ये नहीं बताइएगा कि वो माँ नहीं बन सकती, असल में वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो दवाएं बताई हैं आज ही से शुरू करा दे बाकायदगी से। जी बेहतर। अच्छा अब मैं चलती हूँ। साहब जी एक बात कहूं। हाँ साहब, मेरी बहन को पांचवा बच्चा हुआ है, वो गरीब तो चार बच्चे भी सही से नहीं पाल पाती। अगर आप कहें तो वो पांचवा बच्चा मैं बेगम साहबा को दिलवा दूं। बेगम साहबा ठीक हो जाएंगी, ये मेरा दिल कहता है। क्या ऐसा हो सकता है जी? मैं आज ही अपनी बहन से बात करके आपको बताती हूँ। बनने वाली हो? हाय, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। कैसी बातें कर रही हो, ये तो खुशी की बात है। बच्चा खुद को जन्ना पड़ता ना तब मैं तुमसे पूछती, वैसे इन तीनों ने मिलके मेरी जिंदगी को फिरकनी बना दिया, और अब ये चौथा आ रहा है। ये तो अल्लाह के काम है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आऊं, तुम्हें खानी है ना। हालत में आपको काम नहीं करना चाहिए, लाए मुझे दे मैं करती हूँ। आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना चाहिए। छोड़ आप आराम करें बस। जुबैदा ठीक कह रही है अकबरी। नौकरों पर कारोबार छोड़ना कोई अकलमंदी है भला? बहुत अच्छा नौकर है इकबाल, अच्छी तरह देखभाल करता है दुकान की। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कितने पैसे कब अपनी जेब में दबा ले। देखो नौकरों की नीयत खराब होते देर नहीं लगती।
तुम परेशान ना हो। ये अपनी बहन को दे देना है। ओह चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।